ये देखो गाड़ी से धुआं भी निकल रहा है, पता है क्यों निकल रहा है गाइस? अयूब देखो धुआं कैसे निकल रहा है, बात है क्यों भैया? पटाखा फोड़ेगा ना? BS4 है तो BS4 है। ये देखो गाइस, तो ये लगवा लो, कहीं जंगल वंगल में अकेले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। जल्दी जल्दी काम हो रहा है और एक टायर अभी जस्ट यहाँ आया है। और देखिए दूसरा टायर, देखिए ये जब टायर दिख रहा है, देखिए दूसरा टायर अभी जस्ट आपको दिखाता हूँ, इसका टायर देखो कैसा लग रहा है। गारंटी मिलती है तो आगे का क्या, इसमें आगे का इसका क्या डिज़ाइन है देखो। अभी आगे भैया कुछ नहीं लगवा के रखे, आगे के स्प्रिंग का एक लेगाड आता था पहले अपने ज़माने में चलता था, बट अब क्या ये चेंजिंग खत्म हो गया। अभी भाई ने लगा दिया खुलने वाला लेगाड, अभी इसको खोल के दिखाएगा। और देखो भाई इसको खोल के दिखाएगा। तो ये दोनों कस्टमर अभी आए हैं, कहाँ से आए भाई? कतरास से। बताइए कतरास से आया, धनबाद सिर्फ लगाने के लिए। अभी देखिए खोल के दिखा भाई, ये देखो ये बैट वाला, एक और मार के दिखाना इसको। डर के मारे भाग रहा भाई, ये स्टील का बैट है। खोली खोली, ये देखो गाइस, तो ये लगवा लो, कहीं जंगल वंगल में अकेले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब देखते हैं इसमें और क्या लगवाते हैं भैया। फिलहाल अभी एक टायर हो गया काम, दूसरा टायर करवा के फिर इसका हम अच्छे से आपको प्रॉपर दिखाएंगे आगे पीछे दोनों, ये कैसा लगता है कस्टमाइज होने के बाद। स्टार्ट हो गया और दोनों एलओबी आ गई है लग के, ये देखो कितना बेहतरीन लग रहा है ये देखो। और टायर भी हमने चेंज करवा दिया, तो दोनों का एकदम मस्त कॉम्बिनेशन बन गया है आगे पीछे दोनों। ओरिजिनल टायर लगाया, कोई गोटी में छेड़छाड़ नहीं, जो शोरूम फिटिंग आती है वही लगवाया भैया ने। अपोलो का वो गोटी वाला नहीं लगवाया क्योंकि इनके पापा को चलाना है, इनको चलाना नहीं। अभी डिस्प्ले यहाँ से प्रॉपर इसमें लग जाएगा और सेटअप हो जाएगा, उसका सेटअप कर देखिए। इसमें आगे डिस्प्ले लग चुका है, बस एलंकी से खोलना है और बैरिंग और बूस्ट ठोक देना है और आपका एलोबिल रेडी हो गया। अब चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। आगे का टायर निकल गया और पीछे का भी लगा रहे भैया, अब इसका टेस्टिंग करने वाले हैं। और ये अभी मैंने निकाल दिया इंदौरी, बट भैया का मन है मिनी पंजाब सुनने का, क्योंकि गाड़ी BS3 है तो पटाखा वगैरह तो भैया को फोड़ना कॉमन बात है। क्यों भैया पटाखा फोड़ेगा ना? BS4 है तो BS4 में फूटता है पटाखा, जब तक कार्बेटर है तब तक पटाखा बहुत अच्छे से निकलेगा। और ये इनका पुराना स्टॉक बाहर हो रहा है, ये बाहर हो गया। अब हम डुक डुक साउंड सुनते हैं और उसके बाद एक बार पटाखा वाला साउंड भी सुन लेंगे। एक रोम पटाखा मारता है, पापा को सुना दे बस। बूस ए बूस लाने का पांडे, बूस बूस एक मिनी पंजाब एक बूस जल्दी लाओ। तो गाइस अभी बारिश हो गई है पूरी तरह से ख़त्म और बहुत अच्छा मौसम हो गया है। अभी पटाखा वाला मौसम करते हैं बूस लगा के। गाइस ये मिनी पंजाब का साउंड है, वो कौन सा लगाएगा? वापस से वो लगा दें, नहीं रिकॉर्डिंग कर रहे, पापा को दिखाएंगे उसके बाद। अच्छा अच्छा, तो गाइस अभी पापा को दिखाएंगे उसके बाद लगवाएंगे। अभी एक साउंड सुनो ये वाला, बहुत प्यारा साउंड है। गाइस इसको बोलते हैं डुक डुक साउंड, क्या निकला है। अभी दोनों काम हो जाएगा। देखो गाइस ये पुराना फिल्टर निकला, दिखाएं अगर पुराना फिल्टर, पुराना फिल्टर निकाला है। हार्डली गाइस आपको 2000 किलोमीटर चलाना है, कोई भी मोबाइल हो 2000 किलोमीटर उससे ज़्यादा चलाना नहीं है। और मोबाइल फिल्टर को याद से आपको चेंज कराना है, मोबाइल चुवा रहा है ना, इसको निकाल दें है ना। अभी वो पहले गंदा दिखाएंगे उसके बाद। ये देखो गाइस कैसा हालत हो गया, ये देखो कैसा, ये हालत कैसा है इसका, खत्म हो गया ना। अगर ऐसे चलाते रहे गाड़ी तो क्या होगा, इंजन सीज कर जाएगा। तो देखिए गाइस अभी मैकेनिकल आपको बता रहा, अभी ये खोल के दिखाएंगे आपको। ये देखिए ये ओरिजिनल निकला अभी,
अभी ओरिजिनल दिखा रहे हैं, उसके बाद देखो आप ये देखो। तो इसको याद से गाइस करें। देखो गाइस, अगर गाड़ी को स्टार्ट कर दोगे ना ऐसे आप, तो गाड़ी का कचरा जितना है सब बाहर आ जाएगा, जितना भी कचरा हो, ए टू जेड। देखो अभी मिस्त्री कर रहे हैं, तो सर्विस यहाँ बहुत बढ़िया होती है। बाकी सर्विसिंग के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। गाड़ी अगर मॉडिफिकेशन कराना है तो भी आ सकते हो, गाड़ी सर्विसिंग कराना है तो भी आ सकते हो। बहुत ही कम रेट, बहुत ही जेन्युइन काम होता है। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप खुद आके काम एक बार देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या है असली और क्या है नकली। मोबिल ये ड्राई हो गया अच्छे से और यहाँ फिल्टर लगा दिया हमने। अब ये मोबिल हम डालेंगे ओरिजिनल हैवी ड्यूटी इंजन ऑयल, 1550 का मोबिल जाता है बुलेट सीरीज में, और अभी डाल के और फिर स्टार्ट करेंगे। देखना साउंड भी थोड़ा चेंजिंग आएगा गाड़ी का। इंजन ऑयल हम भैया ने चेंज करवा लिया और ये रॉयल एनफील्ड का डलवा रहे हैं। इनको हैवी ड्यूटी नहीं डलवाना है, नॉर्मल सा डलवाना है, तो ये भी डला सकते हैं, शोरूम वगैरह में यही आता है। इसकी MRP क्या होती है मैं आपको बताता हूँ एक बार। इसकी गैस MRP है 1050 और ये अभी जाएगी अंदर। अभी देखो सर्विसिंग कराना है, सिर्फ मोबिल फिल्टर ऑयल फिल्टर नहीं लगाना, बल्कि एयर फिल्टर को साफ़ करना है उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि गाड़ी का माइलेज और गाड़ी का पिकअप इसी से बढ़ता है। तो ये बात ध्यान रखिए, पुराना इनका हो गया, अभी देखो डस्ट बहुत निकलेगा यहाँ से, ये पूरा बेकार सा हो गया। तो अभी आपको एक रहता है MRP रहता है, सारा कुछ इसमें रहता है। तो ये आप लगाओ एयर फिल्टर ओरिजिनल, यहाँ तक कि एयर फिल्टर लगाने से आपका जो पिकअप वगैरह बढ़ जाता है। अभी भैया ने टूल बॉक्स को साफ़ करा दिया, अब इसको लगाएंगे और इसको एक स्टार्ट करके देखेंगे। देखना टाइट हो रहा है एयर फिल्टर, और जैसे टाइट हो जाएगा टूल बॉक्स को वापस से बंद कर देंगे। इसके अंदर एक रबड़ होता है, उसको भी साफ़ कर लेना चाहिए। अभी फाइनल टेस्ट लेंगे गाड़ी को स्टार्ट करके। तो मोबिल कहाँ से निकाला जाता है और कहाँ से डाला जाता है, निकालने का प्रोसेस बता दिया, अब डालने का प्रोसेस बताता हूँ। देखो ये निकला है अभी इनका, यहाँ लुप्पी लगा दिए हैं, अब लुप्पी डालेंगे। ये जा रहा है 2.5 लीटर, ये हार्डली 2500, और बहुत ज़्यादा चला रहा है अगर गर्मी का टाइम है तो 2000, उससे इनफ चलाना नहीं है वरना प्रॉब्लम आ सकती है इंजन में। ये देखो भैया ने चेक करना स्टार्ट कर दिया। ये देखो गाड़ी से धुआं भी निकल रहा है, पता है क्यों निकल रहा है गाइस? अभी देखो धुआं कैसे निकल रहा है। अब लेते हैं एक्सीलेटर थोड़ा सा, अब तो कोई कमी नहीं है गाड़ी में, ऑयल पलटी हो गया एयर फिल्टर लग गया, अब गाड़ी कैसे भागेगा, पूरा भागेगा। ये देखो आवाज़ सुन, ऐसा लग रहा है गाड़ी में जान आ गया हो। तो भैया अभी ट्यूनिंग सेट कर रहे हैं, और एक बार ट्यूनिंग सेट हो जाएगा तो फिर एक बार रोड टेस्टिंग करेंगे और पब्लिक रिएक्शन देखेंगे। चलिए अब इधर का काम खत्म हो गया, बस एक सीट कवर लगेगा और एक बार रोड टेस्टिंग करेंगे, बस एक और लेगार्ड बचा हुआ है, बस ये दो काम बचा हुआ। देखो गाइस घबराने वाली बात नहीं, यहाँ से एक धुआं निकल रहा है, पता ही क्यों निकल रहा है, कोई घबराने वाली बात नहीं। मोबिल जो गिर जाता है ना वो जलता है, बस उसी का धुआं उठ रहा है, बाकी डरने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर ऐसा आपके गाड़ी में हो तो आपको बिना बेझिझक डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, ठीक है। चलो गाइस सुनाते हैं इसका साउंड। ओहो गाइस इसमें हॉर्न जो लगा है ना, अगर बजाएगा फिर से देखिए, बस इसको बोलते हैं शॉर्ट टेस्टिंग। ये देखो गाइस एकदम फाइन गाड़ी चल रहा है एकदम, देख लो इसका अलॉय व्हील, एक मिनट ये रहा इसका अलॉय व्हील्स, अभी पीछे के लिए काम होने जा रही है, और ये टायर जाइए घुमा के जाइए, ये देखिए क्या ही बवाल लग रही है, हाँ एकदम चढ़ा दीजिए। ये देखो गाइस हॉर्न बजा के जाइए, ये देखो। तो गाइस ये था छोटा सा मिनी ब्लॉग।